हाय मैम योर कॉफी और थैंक यू सो मच रिमांशी मेरी इवनिंग की कॉफी आ चुकी है हाय एवरीवन हाय आदर्श हेलो कैसे हैं सब हाय हाय श्वेता हाय मास्टरमाइंड ओके मैम आज मार्स मुझे मेरा फ्रेंड मिला उसके नाम था अंटू मैं अंटू अंटू अच्छे फ्रेंड्स हैं हम सोचे कि पाँच बजे खेले बोलिंग कर रहा था अंटू बैटिंग एट सिक्स छक्का लगाया और बॉल हमारी बुगाटी विंडो टूट गई ओहो कीर्ति ओके इतनी लंबी कहानी हाय छोटू सालू कैसा है मेरा छोटू सालू गुड इवनिंग सरांश जैन प्रणाम पीयूष कैसे हुआ हाय मैम बच्चा मैं आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिव्यांश सर आप अभी तो आए थे ना प्लस क्लास में Hi, toughest jobs लो हाई कृष्णा है गुड इवनिंग कैसे हैं सब सो so, आज है आपका फिजिक्स वन शॉर्ट क्वेज माइंड मैपिंग में थोड़ा कराऊंगी सो so दैट आपको याद आ जाए क्या था क्या भूल तो नहीं चुके हो सो so, सारे चैप्टर्स हमारे फिजिक्स के इस क्लास सिक्स सिलेबस में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से आएंगे वन शॉर्ट मेगा मेन्टी एंड देन एक और सरप्राइज वाला क्विज है सरप्राइजिंग वाला है थोड़ा सा सो या लास्ट में वी हैव वन सरप्राइज क्विज ठीक है एक होगा बस तीन टाइनी सा लास्ट में एंड या सो यही होने वाला आज बाकी बहुत सारी बातें गप्पे मैम से ओके हाय मैम मैं ठीक हूँ मैं आज ड्रामा क्वीन का साइंस का एग्जाम था बहुत अच्छा गया ओहो बस हमारे आलू जी का बहुत अच्छा एग्जाम गया साइंस का चलो इसी बात पे और आलू खाऊंगी मैं आज चलो ओके <laughs> okay, आदर्श मस्तू तो सब बहुत बढ़िया हाय यस अथर्व सुबह आए थे इतनी जल्दी मेमोरी मेरी चली नहीं जाती तुम्हारी मैम का नाम स्मृति है मेमोरीज राइट आई बढ़ते हैं सो यस माय नेम स्मृति राना आई एम योर साइंस एजुकेटर ऑन मास्टर्स फ्रॉम बैचलर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी आई एम टेलीग्राम का लिंक कहाँ ढूंढना है और एक और चीज में बताना भूल जाती हूँ आपको दैट इज ग्यारह बजे और सेवन पी एम मैम यूट्यूब में आती है ठीक है ये दो टाइम्स को टिक कर लो अपने अलार्म में जाए ठीक है पांच मिनट पहले का करना सो दैट आप पहले रेडी रहो एंड अनकेडमिक क्लास सिक्स का आपको अगर टेलीग्राम ज्वाइन करें तो आप कर लो फटा फट से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और जिसे आप क्लिक करोगे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी कि ये ऑफर चल रहा है या ये अपडेट आया न्यू फीचर आया है या यूट्यूब में अब क्लास है अब नहीं है और यूट्यूब आपको वैसे भी नोटिफिकेशन दे देता है राइट चलो आगे बढ़ते हाई यशू हाई एवरी वन मैम मेंटी होगी अरे यार तुम्हारी मेंटी होगी भाई मेंटी को सेंटी मत किया करो इतना होगा तुम्हारा मेंटी कृष्णा डू आई लुक फाइन मैं लग रही हूँ ना ठीक मैम आई एम वेटिंग फॉर योर क्लास फॉर लाइक हंड्रेड इयर्स इतनी पुरानी नहीं होगी तुम्हारी मैम की सौ साल बाद आर्यन ने में कैसी कैसी बातें कर दो ना तुम लोग चलो सो बक्स बाउंटी क्या है बाउंटी कैसे कहते हैं पकड़ो उनको उन बक्स को ठीक है ओके अपॉर्चुनिटी है सारे लर्नर्स के लिए अगर आपको कुछ भी लगता है ना इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट प्लेटफॉर्म में जो कि नहीं मिलेगा बट अगर मिलता है तो रिपोर्ट दैट ठीक है उसके लिए क्या करना पड़ता है फॉर्म लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगता है तो उसकी डिटेल्स निकालो फॉर्म लिंक पूरा फिल करो और अगर आप पहले हो तो आपको प्राइज भी मिलेगा ठीक है एक तो बग निकल जाएगा यहां से एंड ऊपर से प्राइज मिलेगा ठीक है तो इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी चलो मैम कल नो योर एडुकेट मेंटी जिंदगी की सबसे बेस्ट मेंटी थी थैंक यू सो मच आर्या क्योंकि आप विनर थे है ना थैंक यू गेमिंग थैंक यू ओके बीच बीच में तारीफ मिल रही है मुझे थैंक यू सो मच चलो आस्क डाउट कभी नहीं भूलना माय गॉड मेरा फोन नीचे गिर गया यहाँ रख देती हूँ फोन को मैं एक मिनट एक मिनट थोड़ा साइड हो जाए मेरा लैपटॉप बेटर ओके यस फीचर हमें कभी नहीं भूलना है क्योंकि ये आपका एक फ्री फीचर है एंड ऑल्सो इसमें आपको वीडियो सोलूशन दिए जाते हैं डाउट्स के तो मतलब अब क्या बोलूँ मैं मैं होती तो मैं यूज ही कर रही होती चाहे आप याद दिलाते या नहीं दिलाते ठीक है सो आस्क का डाउट इस अनलिमिटेड डाउट्स का फीचर है आपका कितने भी डाउट्स पूछो कब भी पूछो कोई ऐसा नहीं है वो ठीक है एंड गेट हाई क्वालिटी वीडियो इन बोथ द लैंग्वेजेस इंग्लिश और हिंदी ऑप्टेन इंस्टेंट एक्ूरेट सोल्यूशन जो भी क्रियोसिटी है जस्ट आस्क इट एंड गेट असिस्टेंस विद योर होमवर्क चलो बोन वे गुड इवनिंग और थैंक यू सो मच आई थिंक मुझे सीखनी पड़ेगी तुम्हारी स्पेनिश फ्रेंड्स सब कुछ चल आ रही क्या आ रही सब्सक्रिप्शन के फीचर्स भी बता देती हूँ फटाफट से हाँ। तो अभी मैं प्लस की क्लास लेके आ रही हूँ ठीक है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो प्लस के भी हैं उनको अच्छे से पता है कि मैम क्या बोलते हैं लाइक एक्चुअली यू कैन टॉक टू मी कैन आज के डाउट जो भी डाउट होते हैं आप वन गो में बता सकते हो मुझे ठीक है यू कैन टॉक टू मी तो थोड़ा क्लियर रहेगा कि आपको एक्चुअल डाउट क्या है लिखना नहीं पड़ेगा हर टाइम एंड लाइव सेशन होते हैं पी आपको मिलती है ज्यादा रियल टाइम इंट्रैक्शन होता है आपके प्लस में

टू गेट टेन परसेंट ऑफ ठीक है कहीं पर भी लग जाएगा ये चाहे जिस क्लास में हो जो एंट्रेंस एग्जाम पढ़ना है आपको ठीक है आइकॉनिक में क्या करना है हाय 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 रश्मित hi, अच्छा जिसका नाम नहीं लिया मैंने हो आदित्य इतनी अच्छी है आपकी वो लैंग्वेज वेरी गुड हृदय हाय किस किस का नाम नहीं लिया मेरे हाय आयुष दिव्यांश को फ्री में मिला चलो ठीक है वो बताते कैसे मिलेगा वो

प्राइसिंग थोड़ी डिफरेंट है कि यू गेट डबल बेनिफिट एक्चुअली आईकॉनिक में सो या ट्वेंटी फोर मंथस के इज फॉर एट थाउजेंड मेक्स इट फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड आफ्टर यूजिंग माई कोड ऐसे में रहना ठीक है मैम प्लीज आप कोई फिफ्टी लाइक्स मान ओ माई गॉड ये लाइक्स के बारे में भूल गई हाँ लाइक्स कर दो यार फटाफट से प्लीज यार फटाफट से लाइक्स कर दो मैं रिफ्रेश कर देती तब तक

इसमें है क्या ना बच्चा कि मेरी जो क्लास है आप मैंने संडे रख लिया है मैंने जैसे आपको बोला था कि संडे को तीन बजे होगी होगी तो होगी ठीक है एंड देन वेडनेसडे को दो दो होंगी दो दो ठीक है उसमें क्लास नहीं होगी वेडनेसडे को ओनली स्पेशल क्लासेस एंड देन अक्टूबर को है फिर संडे लास्ट ठीक है तो अभी ये कल आ रहा है तीन बजे कल आप शाम को सब बिजी हो गए एंड नो दैट ठीक है आपके मैच एंड सब हो गए तो मैंने सेवन पी नहीं रखा है कुछ भी एंड थ्री पी ही है तो आपको आना ही पड़ेगा इसका लिंक मैं आपको दे देती हूँ अभी दे रही हूँ ठीक है तो जिसको रिवाइज करना लिविंग ऑर्गेनिज्म वो आ सकते हैं प्लीज डाउनलोड दी आप अगर आपने नहीं करा है लिंक मेरी प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मैं जल्दी से शेयर कर रही हूँ ठीक है लिंक शेयर कर रही हूँ फटाफट से एनरोल करो अपने आप को एंड आण... कहा गया कहा गया ओ मिल गया ओके मुझे मिल चुका है हाँ रश्मिता हाय हार्डी हेलो अच्छा हार्डी नहीं सॉरी अभिनव मैम्स छोटी सी सिमिलिटी मैम हाँ मैं बहुत सैड हूँ बहुत सैड हूँ इतनी सैड हूँ कि मैं क्या बताऊँ तो मैं जो लिंक शेयर कर रही हूँ आपको ये मेरी स्पेशल क्लास का ही है सो so दैट आप एनरोल कर सको ठीक है वरना मैं बहुत सैड हो जाऊंगी लाइक वेरी वेरी सैड ज्यादा सैड नहीं बट ठीक है ओके okay. तुम गायब हो गए क्या सही में यहाँ से बच्चों उतने कम हो गए जितना मैंने लिंक भेज दिया वापस भी आना है ठीक है वो एनरोल करके चलो तो हमारे जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ किसमें मेंटी होने वाला है मोशन मेजरमेंट लाइट शेडोज रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिसिटी सर्किट हाय अंकित सॉरी शवि हाय हाँ, हेलो ओके सो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स फन मैग्नेट्स है आपके चार मेजर फिजिक्स चैप्टर इन योर सिलेबस अब इसमें ही आपके क्वेश्चंस आएंगे बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ठीक है बट आपको बस याद होने चाहिए अगर आप कोई भी डाउट है बीच में तो जैसे सास नहीं ठीक है बिल्कुल शर्माना नहीं है एंड मोशन एंड मेजरमेंट में आपने क्या क्या पढ़ा है पहले तो बहुत बहुत ही एरोप्लेन हेलीकॉप्टर लैंड से साइकिल बस एंड एवरी थिंग वो सब आपका ट्रांसपोर्टेशन से स्टार्टिंग पार्ट ठीक है उसके बाद देन मोशन मेजरमेंट में यू हैव लेंथ मेजरमेंट और एस आई यूनिट बहुत बड़ा पार्ट है

वो पता होना चाहिए आपको एंड वट इज चेंज इन मोशन किस किस टाइप के होते सर्कुलर पीरियडिक एंड प्रियोडिक नहीं आ रहा मुझे ठीक है उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन की बात आपको मैंने कर ली तीन मेजर हैं सर्कुलर प्रियोडिक एंड रेक्टीनियम उसके अंडर आपको भी आता है रोटेशनल भी आता है एंड वट एल्स एक दो मैं बोल रही हूँ तो वो सारे आते हैं आपके टाइप्स ऑफ मोशन में ठीक है हाँ जी अंजलि आपको सर्कुलर मोशन में डाउट है अंकित गुप्ता ए छवि ओके याद कर लिया मैंने अब ठीक है चलो कोई डाउट है क्या आपको तो बताओ मुझे मैं एक मिनट देख लेती हूँ मैम केम छो ओहो दृष्टि छे ओके रैंडम एंड रोटेटरी मोशन ऑल्सो याद हर वेरी गुड सब कुछ तो सर्कुलर मोशन लाइक आई कोई भी सेंटर पॉइंट लो और उसके आसपास अगर आप घूमने लग जाओ सर्कुलर पाथ में तो हम उसे कहेंगे सर्कुलर सर्कुलर मोशन सो यू नीड ओनली वन सेंटर पॉइंट फॉर दिस ठीक है रोटेशनल इज अ पार्ट ऑफ मोशन ओनली रोटेशनल में बस इतना फर्क होता है कि बॉडी के अंदर ही सेंटर पॉइंट होता है लाइक सर्कुलर मोशन में कुछ भी डिफाइंड नहीं है कि सेंटर पॉइंट अंदर है या बाहर है या किसी और चीज के आसपास घूम रहे हो बट अगर आप अपने ही बॉडी के आसपास घूमोगे लाइक सेंटर पॉइंट अगर यही है और आप यही घूम रहे हो लाइक like अपने आस पास लाइक like लट्टू एक ही पोजीशन पे घूम रहे हो दैट विल बी रोटेशनल मोशन तो होता क्या है सेंटर पॉइंट इज विद इन द बॉडी और आप उसी के आसपास घूमते हो जैसे कि आप एक ही पोजिशन में घूम रहे हो आसपास दैट इज रोटेशनल मोशन और रैंडम मोशन क्या होता है रैंडम मोशन लाइक बटरफ्लाई जिसमें आप डायरेक्शन नहीं बता पाते दैट इज रैंडम प्लस बैच का लिंक देती हूँ बच्चा देती हूँ डोंट वरी वो तो मेरी प्रोफाइल में ही है चलो दे दूंगी मैं आपको या अंजलि इज करेक्ट लेट्स मेक इट हंड्रेड लाइक्स ओके चलो आगे बढ़ते हैं आई होप कोई डाउट नहीं है मैम व्हाट इज रैंडम मोशन रैंडम मोशन प्रिया की तरफ से रैंडम मोशन मोशन इज लाइक हमारी तितली तितली का नहीं पता होता कहाँ जाना है उसको ना ही आपकी बी को पता होता कहाँ जाना लाइक इधर उधर इधर लाइक भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है मोशन रैंडम मोशन जब आपको नहीं पता होता क्या मोशन है सर्कुलर है ना रेक्टीलिनर है ना प्रियोडिक है रैंडमली चले जा रहे हैं दैट इज रैंडम मोशन ठीक है मैं कहा से हूँ मैं बच्चा अभी तो फिलहाल धरती से हूँ कहीं से नहीं हूं हाय हृदय नथिंग इज अप एक्चुअली यहाँ बस बटरफ्लाई बन रही है ओके अभिनाव डोंट से बाय का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा मेरे को रैंडम मोशन के लिए ओके माइंड मैपिंग ऑफ मोशन मेजरमेंट एंड डिस्टेंसिस तो 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 ये तो हो गया, लाइट दन दन, लाइट की बात करूं, तो लाइट में बहुत सारी चीज़ें जैसे आपके मोशन में रेक्टिलिनियर था ऐसे ये भी रेक्टिलिनियर मोशन में चलता है ठीक है जैसे कि एक एग्जाम्पल था आपको कैंडल कैसे देखते हैं है ना तो अगर कैंडल आपने सीधे नहीं देखे सीधे होल से तो अगर आप टेढ़ा मेढ़ा देखोगे तो आपको नहीं दिखेगी कैंडल ओके फिर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी इजी ओपेक ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट आप सबको पता है आपके जो इतने काला चश्मा जो होता है आपका काला चश्मा इज ट्रांसल्यूसेंट क्योंकि फिफ्टी परसेंट लाइट आती है लाइट नहीं आती तभी आपको सनलाइट में अगर आप शेड्स लगाओ तो आपको थोड़ा आराम मिलता है दैट इज ट्रांसल्यूसेंट जब आपको फिफ्टी परसेंट लाइट पास होने की वजह से दिखती चीजें बट नॉट क्लियरली ट्रांसपेरेंट इज लाइक माई चश्मा इट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट लेंसेज हैं बिल्कुल एंड इसमें बिल्कुल क्लियर दिखता है आपको हंड्रेड परसेंट लाइट पास करती है ट्रांसपेरेंट में फिफ्टी एंड जीरो बिल्कुल नहीं इट इज लाइक अ ब्लॉक बिल्कुल लाइट पास नहीं करेगी ठीक है आपको सामने वाला इंसान नहीं दिखेगा दैट इज ओपेक बिल्कुल लाइट ब्लॉक हो जाती है देर इज नो होल और एनी थिंग ठीक है लाइट के लिए ओके okay.

सो या फ्रॉम विच स्टेट बच्चा वो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ चैप्टर में से पूछो क्वेश्चन ओके सो उसके बाद आपसे पूछा गया था कि वट इज रिफ्लेक्शन इज ऑब्जेक्ट नॉन देन दे अबाउट शैडो तो हम सबको पता है कि शैडो के लिए यू नीड थ्री थिंग्स एक तो स्क्रीन शैडो के लिए बनने के लिए वाइट स्क्रीन हो तो ज्यादा बेटर है देन एक सोर्स ऑफ लाइट एंड एक ओपेक ऑब्जेक्ट फॉर द ब्लॉकेज तो अगर सोर्स ऑफ लाइट सन जैसे सन है लाइट आ रही है और अगर कोई बीच में खड़ा हो गया एज अ ब्लॉक लेट्स से अ बॉक्स ओपेक ऑब्जेक्ट और तब उस पर्टिकुलर बॉक्स की शेडो बन जाती है सामने से वाई बिकॉज आपकी बॉक्स ने सन की लाइट को जो पर्टिकुलर लाइट है वो ब्लॉक कर दिया बीच में रह के लाइट के पात के बीच में आके उससे क्या हुआ कि उतने एरिया में लाइट ब्लॉक हो गई और एग्जैक्टली exactly आपकी शेप की शेडो बनती है जिस भी ऑब्जेक्ट को आप रोकते हो उसी की शेडो बनती है वाई बिकॉज उतनी ही लाइट ब्लॉक हुई होती है तो दैट इज एबेंस ऑफ लाइट इज शेडो चलो सो आई थिंक दिस इज क्लियर देन यू हैव इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स में इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात करी थी मैंने बल्ब फिलामेंट उसके टर्मिनल्स उसके पार्ट्स टंगस्टन फिलामेंट दो टर्मिनल्स एंड देन इलेक्ट्रिक सेल ड्राई सेल वेट सेल इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास करता थ्रू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स देन वट इज स्विच वट आर द अदर कॉम्पोनेट्स ऑफ द सर्किट ठीक है उनके सिम्बल्स एंड ऑफकोर्स ठीक है एग्जाम्पल्स सारे तो या फन विथ मैगनेट इज वॉट मैग्नेटिक पोल्स के बारे में पता होना चाहिए वट आर द प्रोपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स कौन किसको अट्रैक्ट करता है नॉर्थ साउथ राइट आपकी पोल लाइन्स कैसे जाती है नॉर्थ से साउथ की तरफ देन कौन सी चीजें परमनेंट मैग्नेट बन सकती है कौन सी टेम्पररी मैगनेट होती है वट आर द एग्जाम्पल वर द एग्जाम्पल्स ऑफ नैचुरल मैग्नेट्स एंड प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखी हुई है टू पोल्स दे लूज देर प्रॉपर्टीज वेन यू हीट हैमर या कुछ भी तोड़ाताड़ी करोगे मैग्नेट में तो इट विलूज इट्स प्रॉपर्टी देन अगर आप कभी भी एक मैग्नेट को फ्रीली छोड़ोगे तो इट विल ऑलवेज अलाइन इथ से नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन देन वी टॉक्ट अबाउट कंपस अर्थ बींग होल मैग्नेट, राइट ओके अब आप मेंटी की तरफ बढ़ रहे हैं अगर आपको कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए मैम गिव मी अ हाई गिव मी अ हाई आई एम अ वेरी बिग फैन मैम अ डार्क शेप ऑन अ अर्विस दैट इज कॉल्ड बाई फॉर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड कॉल्स वेरी गुड अंजली मास्टर माइंड लास्ट में पक्का 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 अभी मैम थोड़ी रफ्तार में है ठीक है वेरी गुड रंजन बचा फेवरेट डिश अभी तो फिलहाल मेरे को बहुत भूख लग रही है मैं कुछ भी खा लूंगी मैं करेला भी खा लूंगी ओके सो या आपको पता है दिवाली ऑफर फेस्टिव सीजन सो अभी ट्वेंटी फिफ्थ अक्टूबर आया नहीं है मंडे है एंड अभी आपको चार महीने चार महीने फ्री दिया जा रहा है क्रिएटिव कॉनर एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन का आपके प्यारे प्यारे एजुकेटर प्रियल मैम मोहम्मद खालिद सर आपको एथ क्लास में पढ़ा रहे हैं एंड सेवन क्लास के लिए हर्षिता मैम एंड ज्योति मैम एंड सिक्स क्लास के लिए आपको पता ही है सिमू मैम और विवेक सर है आपके लिए अर्जेंट बैच में सो so ये स्टार्ट होने वाला नया बैच है जिसका लिंक में मास्टर आपको दे दूंगी ठीक है ओके हाई तृति हेलो अभिनंदन स्विच इज समिंग हिद स्विच को क्या कहते हैं स्विच आपके घरों में होगा तो उससे क्या होता है सर्किट ब्रेक और वापस से बन जाता है लाइक ओपन एंड क्लोज करता है सर्किट को अगर उसने ओपन कर दिया सर्किट को दैट मीन स्विच आपने ऑफ कर दिया तभी करंट पूरा पास नहीं कर पा रहा है बल्ब के थ्रू जो भी आउटपुट है ठीक है फ्रिज भी हो सकता है एसी भी हो सकता है तो अगर आपने सर्किट को ओपन कर दिया तो करंट यहां से यहां जा नहीं पाता तो पूरा बंद हो जाएगा आपका करंट स्विच ऑफ करने पे स्विच ऑन करोगे तो सर्किट वापस से क्लोज हो जाएगा और पूरा करंट वापस से दौड़ने लगेगा तो ये ध्यान रखना स्विच ऑन ऑफ करने से आपका सर्किट ओपन एंड क्लोज होता है कॉम्बैक यस कॉम्बैक इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट जो आपका होने वाला है कल बारह बजे जैसी मैम क्लास खत्म होगी आपका कॉम्बैक शुरू हो जाएगा तो मैं पांच मिनट पहले छोड़ दूंगी ठीक है रेडी रहना वेब पेज ऐप दोनों में दे सकते हो अगर आपने एनरोल नहीं किया तो पहले तो फटाफट एनरोल करो ठीक है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है जाओ कोड डालो एस एम राना बस एनरोल कर लो अपने आप को कहानी खत्म जैसे आपने स्पेशल क्लास के लिए अभी एनरोल करा है इसके लिए भी करो स्कॉलरशिप इज वन करोड़ पूरा जान लगा देना इतनी भी नहीं थोड़ी बहुत ठीक है थर्टी क्वेश्चन होंगे पंद्रह मैथ्स पंद्रह साइंस के आपको पता है फोर्टी फाइव मिनट्स होंगे अच्छे से देखे आना फिर मैम को जल्दी से भाग के बताना कैसे गया ठीक है चलो तो लेट्स स्टार्ट अवर मेंटी गो टू मेनी डॉट कॉम द कोड इज 7103534 वन जीरो थ्री वट से वट इज द कलर ऑफ द सन द कलर ऑफ द सन इज एक्चुअली वाइट नॉट येलो मैम मेरा नाम इतना हार्ड है कि मुझे ही नहीं बोल रही हैं आप नहीं शेख असीफा आपका नाम नहीं है हार्ड एंड मैग्नेट इज समथिंग जो बच्चा हृदय आपके अर्थ में खुद ब खुद मिल जाता है We don't, you know, play with it. कुछ भी उसमें प्रॉपर्टी चेंज नहीं करते वो आपको के ही मिलता है ठीक है आया हंड्रेड में से एटी वन मिला है फिजिक्स में और बायोलॉजी में केमिस्ट्री में एटी फाइव आउट ऑफ हंड्रेड क्या बात है वेरी गुड दिवाली यस तारा मैं सोच ही नहीं थी, थी. कि आपने कोशिश करी है अभी तक फिलहाल डी के लिए दिवाली के लिए मुझे लाइक like, बहुत ही अच्छा लगता है आर्ट एंड क्राफ्ट अभी के लिए फिलहाल तो मैं ट्राई करूंगी कि स्टार्टिंग में लाइक like, इस वीक के स्टार्टिंग में आपके एक शॉर्ट वीडियो निकल जाए डी के लिए ठीक है डोंट वरी वेरी कॉम्पैक्ट इज फ्री ठीक है थैंक यू शिवानशी थैंक यू सो मच मुझे साइंस में क्या बात है दिव्यांश लेट्स एक्टिवेट द क्विज है ना सब हो जाएंगे नाराज मैम से लाइक ऑलवेज किसी को फर्क नहीं पड़ता सब नाराज हो जाते हैं यहाँ पर ओके स्टार्टिंग द मेंटी ओके काफी क्वेश्चन है इसमें ट्वेंटी वन जितना हो पाएगा इट्स ओके फिर हम लास्ट में जो क्विज होगा ना आपका लोगो क्विज है लास्ट में ठीक है हम वो खेलेंगे ओके okay? और फिजिक्स मेंटी क्विज शुरू हो रहा है 7103534 इज द कोड मैम आपने मुझे कल टाइम आउट किया था बच्चा मैंने किसी को टाइम आउट नहीं करा एक्चुअली मैं नहीं कंट्रोल करती सिर्फ और मेरे पास इतनी एनर्जी भी नहीं होती किसी को टाइम आउट दूं मैं क्योंकि बहुत फास्ट जा रहे कमेंट्स आपके मैम स्मृतियंस इतने अच्छे हैं कि सिर्फ एक महीने से आई हूँ और आपके सिक्स और सेवन मंथ्स पुराने वाले बच्चे मेरे जिगरी दोस्त हैं जैसे तृप्ति आपके यस ये बहुत ही लाइक अच्छी बात है कि जो मेरे पुराने बच्चे हैं जो मेरे नए बच्चे वो मिल जाते हैं क्योंकि पुराने बच्चे भी मेरे सेशन में हैं एंड नए वाले भी हैं सो इट्स लाइक मैं बहुत खुश हूँ आई एम रियली हैप्पी थैंक यू अंजलि अंजलि यहाँ पर बैठ बैठ के मेरी लाइक्स बढ़ा रही हैं थैंक यू सो मच

इतने पुराने नहीं हुए हो अभी आप लाइक अभी हो गया अभी टाइम लगेगा पुराने होने में इट टेक्स टाइम थैंक यू सो मच लाइक्स एंड थैंक यू सो मच अंजलि थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग एवरी वन थैंक के लिए मींस अ लॉट मैम लेट आ गई जल्दी भाग्य भाग की मैम आर सो क्यूट इतनी अभी बोलो ना मैडम जी यस नहीं बटरिंग बहुत हो गई है बहुत बटर खा लिया मैंने चलो सो वाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन एंड मेंटी बताए ना बताए मैंने बता दिया ठीक है लेट मी शो यू दिस बैकग्राउंड इज सो कूल यू नो लेट सी द लीडर ओके सो मोहम्मद शेख खान अकबर अली अभिनव यादव उर्वशी तर्षा प्रिय दर्शनी आर्या तितली सकुरा निहारिका लॉजिक फूल के साथ एंड अथर्व एंड काल पंखुड़ी ये तारा नहीं पंखुड़ी तारा भी अच्छा नाम है क्वेश्चन नंबर टू थैंक यू आफरीन हमारी आफरीन ने सारा ड्रॉक कर लिया था Harry का जो क्विज था हरी पुत्र उस हैरी पॉटर को क्या बात है लाइट ट्रैवल्स थ्रू वाटर ग्लास एंड मेनील टू गेट फ्रॉम टू वन अदर साइड वेज ऐसे करके बैक एंड फोर्थ स्ट्रेट अप एंड डाउन हाई हेलो 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 एवरीवान लाइक लिटरली शोड यू देश वो फ्लावर्स थे मुझे लगा कुछ और है ओ माय गॉड लॉजिक लॉजिक तो चला गया फिर बट आई गॉट नाइंटी सेवन आउट ऑफ इन फिजिक्स एंड नाइंटी आउट ऑफ हंड्रेड इन केमिस्ट्री एंड्रेड हंड्रेड बायोलॉजी में इट ऑट वेरी वेल थैंक यू सो मच तन में एंड कंग्रेचुलेशंस चलो येस द आंसर इज स्ट्रेट वेरी गुड ओके बताइए से दोस्ती बहुत पक्की वाली है क्या बात है सो मोहम्मद शेख एंड अभिनव निहारिका विभुदत्ता आयुष अथर्व आदि हमें बंस बंशन एस ठीक है कोई नहीं ओके मिमंसा एंड उद अभिनव ओके वेरी गुड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लाइक्स क्वेश्चन नंबर थ्री ओके सो

ब्लैक में क्या होता है आपका ब्लैक है ना वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है जितना एब्जॉर्ब करेगा उतनी हीट बढ़ेगी ठीक है हीट बढ़ेगी तो हमें और गर्मी लगेगी गर्मियों में तो नहीं चाहिए भाई ठीक है यू कैन से ग्रे ग्रे भी थोड़ा लाइटिश है बट आंसर ज्यादा व्हाइट रहेगा बट ठीक है ग्रे की तरफ भी हम चले गए ठीक है मैंने इसलिए टिक करा है कि गलत ना हो किसी का ओके मैम प्लीज आप पानी पी लो ओके सो विया मोहम्मद शेख अबे ना विया द फुल ऑन टक्कर विभुदता हमें बंसन एंड विमंता लॉजिक आर या और वो शे आरजू एंड आफ्रीन ऑन डी लीडरबोर्ड में आफ्रीन लेट टाइम बट फेवरेट लीडरबोर्ड में क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर मिकी सीइंग हिमसेल्फ इन द मिरर आई थिंक मिकी इतना खुश है अपने आप को मिरर में देखने से ऐसी मैं होती हूँ डेली मैम मुझे हाफ ईयरली में हंड्रेड आउट ऑफ ओ नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन आउट ऑफ हंड्रेड क्या बात है like, इतने, स्मार्ट, इतने स्मार्ट कैसे हो तुम कभी कभी लगता है कि मैं क्यों हूँ यहाँ पर है ना रावत जी नो नो सॉरी इट्स लेट इट्स लेट नाउ मिनट्स द आंसर इज फ्लिप्ड ये फ्लिप वाले कौन है क्या फ्लिप कर रहे हो तुम एब्सॉर्ब उसने अपनी इमेज एब्सॉर्ब कर ली है रिफ्रैक्शन चलो ये तो चलो गलती से हो गया होगा रिफ्लैक्शन इज द राइट आंसर ओके सो अभी भी हमारे टॉप पे लेट्स सी एक मिनट देख लेते हैं पहले ओके okay. आंसर देने के बाद वी हैव मोहम्मद शेख एंड अभिनव विभुदत्ता हमें बंसन एंड मी एंड लॉजिक ठीक है वे लॉजिक मतलब सेशन में एंड आर्या आरजू आफरी दीवान चाह चुके हैं लीडर बोर्ड पे ओके मेंटी okay, का लिंक कहाँ से दो बच्चों लिंक कोड ले लो सेवन वन जीरो थ्री फाइव थ्री फोर में लिंक मेरे पास है नहीं एक्चुअली मुझे लेना पड़ेगा लिंक मेरे फोन से लिंक है भी नहीं मेरे पास कैसे दूं हेलो किशोर सो व्हाट डज द मून डू बताइए प्रोड्यूसेस लाइट सन सनलाइट या प्रोड्यूसेस हीट आपका मून माप बैठे बैठे क्या कर रहा है बताओ ट्वेंटी टू सेकेंड आर लेफ्ट सर प्रोड्यूसेस लाइट रिफ्लेक्स सनलाइट या प्रोड्यूसेस हीट सॉरी मैम माफ कर दो नहीं तो स्ट्रीम नहीं लाइक करूंगा इतनी बड़ी धमकी वो तो बच्चा आपके ऊपर है आपको स्ट्रीमिंग लाइक करनी नहीं करनी ठीक है बट ओके इट्स ओके चलो थैंक यू पीयूष सो रिफ्लेक्ट दन लाइट वेरी गुड मून की अपनी लाइफ नहीं होती है एट ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स द अमाउंट जो भी सन से आ रही होती है टू अर्थ यहाँ से देखें यहाँ भेज देता है वो तभी आपको मून दिख रहा होता तो चमकता हुआ बट हम सबको पता है कि डार्क साइड हमें भी देखनी है मून की जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती राइट एंड या अपनी लाइट नहीं है एंड नेवर प्रोड्यूस एनी हीट जब लाइट ही नहीं तो हीट कहाँ right? से आएगी राइट लेट्स ये लीडर बोर्ड फटाफट से मैम मैं पहले स्टोरी बुक नहीं पढ़ती थी अब मैं हैरी पॉटर पढ़ने के बाद मेरी रीडिंग हॉबी हो, हो गई है आफरीन दैट्स एक्चुअली गुड मेरी कब होगी मैं नावल नहीं पढ़ सकती एक्चुअली लाइक like, मेरी मॉम को बहुत पसंद है बट मुझे इतना पसंद नहीं है बट या yeah, मैंने कुछ नॉवल्स पढ़ी लाइक स्टीफन हॉकिंग एंड एवरी वन बट इतने ज़्यादा वेराइटी नहीं मेरे पास कुछ कुछ राइटर्स मेरे फेवरेट है स्टीफन हॉकिंग देन वी हैव चेतन भगत इन सब की मैं पढ़ चुकी हूँ बट इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं आपको आइडियाज़ दे सकूँ बट आई थिंक इट इज़ वंडरफुल कि आपकी वो हॉबी है आई थिंक आई वुड राधा प्रेफर इन अ मूवी और समथिंग स्टोरी अब अभिनव मोहम्मद शेख एंड वी अबिबुदत्ता विमंसा एंड हमें एंड लॉजिक आर्य अर्जू आफरीन एंड देवांश आगे बढ़ते हैं माय लव एस एम सिर्फ एक महीने में आपकी क्लास में आते हुए बहुत कुछ सीखा है ऐसा लगता है कि बहुत मन से हुए हैं बेस्ट बॉन्ड स्मृति प्लस आर्या समायरा ये एक्चुअल नाम लग रहा है ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स मैम यू लाइक के पॉप आइडल जो तुम्हें पसंद हो मुझे पसंद है हाय अमिताभ जी रावत जी माफ कर दीजिए हाय हाय नो नो रोनिक हाय आई एम गुड विच विल मेक द डार्केस्ट शैडो लाइट शाइनिंग ऑन व्हाट मैंने अभी परचेज करा है ये चीज डार्केस्ट शेडो कहाँ से बनेगी विंडो से बोट से या थिन टिश्यू पेपर से मैम आप मेरी डियर नाम बोलो मैंने आपको बताया था रूपा इज इट रितु और यार बहुत सारे नाम है प्लीज ऐसे मत कर बता दो मुझे हैप्पी बर्थडे ज्योति ये बहुत अच्छा नाम है वेरी वथर मैम मैं अभी एक साइंस फिक्शन पढ़ रही हूँ क्या बात है आफरीन कौन सी मुझे बताओ सो या ओके आई शेयर माय लिस्ट जो भी मेरे पास है डोंट वरी एंड जो भी मैं चूज करती हूँ वो थोड़ा यूनिक करती हूँ क्योंकि मुझे कभी कभी पढ़ना होता है ओके विच विल मेक द डार्केस्ट शेडो लाइट शाइनिंग ऑन दिस वुड बी योर हां जी हाँ जी हाँ जी तो या, मैं ये यही बोल रही थी कि मैंने अभी यही परचेज करा है वुडन चॉपिंग बोर्ड ओके क्वेश्चन आगे देखते हैं बट से पहले लीडर बोर्ड देख लेते हैं नो सो अभिनव एंड मोहम्मद शेख एंड विभुदत्ता मिमंसा एंड लॉजिक आर्या हमें एंड आरजू आफरी हमारे लीडर बोर्ड में वेरी गुड मैम डू यू नो जुगाडू आई थिंक आई हैव हर्ड अबाउट हिम फ्रॉम समर बट वो यहाँ पर तो नहीं है लाइक सिक्स टू एट में तो नहीं है क्वेश्चन नंबर सेवन रावत जी को माफ करो फर्गेव रावत जी हाँ लॉजिक बिल्कुल ये इसलिए ऑप्शन दिया था मैंने मैम आप बता सकते हो कि कारगराज में मार्स में कहाँ है थोड़ा रिपेयर करूँगा बुगाटी कार को

सीधी होती है erect. Can yes. And can But same color? No, वो लोग ने मटी है, मेंटी है, तो है, मेंटी है कर ली होगी बच्चा लिंक तो कहीं से है नहीं की वो हैक कर ले अभिनव मोहम्मद शेख एंड हमे आर्या लॉजिक आफरीन श्री हसीनी एंड मयंग फ्रॉम नेपाल ओके मैम वी गॉट लॉस्ट इन ड्रीम लैंड ओ नाइस सुनने में अच्छा लग रहा है चलो ठीक है आई ट्राई मैम आपको बताया फिफ्टी एट आई सिक्सटी में से एम सी क्यू गलत हो गया तो सर रोने वाली बात क्या है फिफ्टी एट आई सिक्सटी में से रोने वाली बात हो गई कंग्रेचुलेशंस प्लेन मेरा फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट डैश लाइट फ्रॉम दब्जेक्ट प्लेन मिरर आपके घरों में है राइट right? उसी की बात कर रहे हैं हम अब्सॉर्ब्स रिफ्लेक्ट्स पासस इमेज ओह हैप्पी बर्थडे टू मैम मेरा कोई बर्थडे नहीं है बच्चा ओके okay. मैम आप कितने साल के हो मैं कितने साल क्यों नाइन्टी ईयर्स हाँ हाँ आप सबको पता ही है अर्थ ईयर्स के हिसाब से आई एम नाइन्टी ईयर्स एंड मार्स के हिसाब से मैं काउंट नहीं कर सकती सो या रिफ्लेक्ट्स यू ऑल नो की टाइम स्लो हो जाता रेट जुपिटर के आसपास एंड सैटर्न के आसपास दैट्स अच्छा ओके इट ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स तभी इमेज बनती है ओके, okay. so um, अरे मैम घर वाले कहते हैं में 60 लाओ Demands बढ़ जाती है ना बच्चा अगर आप जितना अच्छा करोगे तो आपको किया जाएगा और अच्छा करो ये तो होता रहता है मेरा बर्थडे जल्दी आने वाला है अभी है लाइक नवंबर आ जाएगा फिर दिसंबर फिर जान में आ जाएगा मेरा बर्थडे ठीक है अब इनफ तब तक आप दूसरे सेशन में भी जान लग जाओगे विमंसा हमें आर्या लॉजिक आफरीन मोहम्मद एंड मयंक लीडर निहार क्या हो गया गेमर है मीमर इतना स्पैम मैम व्हाट इज दिस रेखा दिस इज मेंटी गो टू मेनी डॉट कॉम एंड एंटर द कोड सेवन वन जीरो थ्री फाइव थ्री फोर इग्नोर मी सैड लाइफ ओके डू मैग्नेट स्टिक टू ओहो मैम अभी मार्स में कितने बज रहे हैं मुझे मार्स के बारे में कुछ नहीं पता ओहो ठीक है मार्स के बारे में कुछ नहीं पता अच्छा अभी फिलहाल हम उसमें कितने बजे नहीं होता एक्चुअली द थिंग इज टाइम ग्रेविटी की वजह से स्लो हो जाता है लाइक इट्स ऑल ग्रेविटी यू नो ग्रेविटी अलग अलग फ्लो करती है ग्रेविटी कंट्रोल करती है आपके टाइम को आई नो इट्स अर्थ रोटेशन राइट ट्वेंटी फोर आवर्स थ्री सिक्सटी फाइव डेज राइट उसके हिसाब से हम टाइम बनाते हैं अपना दिन और रात तो वहां पर क्या है ना वहां पर मार्स में मार्स इज ओके okay, मार्स ओके बट सैटर एंड जुपिटर में क्या होता है ना बचे सैटर एंड जुपिटर में आपका वही टाइम जो जितनी बार अर्थ स्पिन कर चुका होगा ना वो थोड़ा टाइम लेता है इसलिए वहाँ पर टाइम थोड़ा स्लो हो जाता है लाइक ग्रेविटी की वजह से इट्स स्लो तो जितनी एजिंग वहाँ पर मेरी स्लो होगी फिर मैं अर्थ में वापस आऊँगी तब तक यहाँ पर पचास बार घूम चुकी होगी अर्थ तो यार इसलिए यहाँ पर मैं नाइन्टी ईयर्स की हूँ और वहाँ पर कम आयरन डस्ट यस मैग्नेट आयरन डस्ट बिकॉज आयरन चाहे किसी की भी डस्ट हो बट अगर वो आयरन है आप बताओ मैम आप ऐसे सीरियज बोल रहे हो जैसे सच में आप मार्स में हो और अगर वे सची में निकल गई मार्स की तो अभिनव विपदत्ता आरल ये है हमारे टॉप थ्री विनर्स एंड आफरीन मोहम्मद एंड मिमंसा मयंक हमे एंड अनिश क्या बात है ओके हाय नोरा आई एम गुड आप कैसे हो क्वेश्चन नंबर टेन इतने जल्दी कमेंट जा रहे हैं पेंडुलम क्लॉक बट यूज क्या करो यूज डिजिटल क्लॉक ग्रेविटी प्रॉब्लम सॉल्व Sad बात कि आपकी सारी क्लॉक्स ग्रेविटी से असर करती है एक दिन मार्स का टोर कराइए इट्स ओके गेम जरूर कराऊंगी मैं डोंट वेरी पहले मैं खुद चले जाऊंगी उसके बाद डैश इज एन एज अचुरल मैगनेट एफ ई दैट इज आयरन ऑक्साइड स्टोन एंड मैग्नेटाइट इसमें से नैचुरल वाला मैग्नेट जो आपको अर्थ से खुद मिल जाता है एज अज तो वो कौन सा है फाइव कम ऑन नेचुरल मैग्नेट खुद ब खुद उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है हमें किसी के थ्रू ना इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ना किसी के थ्रू उसको मैग्नेट बनाना पड़ता है इट इज ऑलरेडी अ मैग्नेट यस इट इज मैग्नेटाइट हंड्रेड लाइक्स कंप्लीट ओ माय गॉड हंड्रेड एंड वन आई एम सो हैप्पी थैंक यू सो मच एवरी वन मैम लोगों वाली मेटिंग करा दो ओके okay, अभी आ रहा है लॉजिक आफरीन मोहम्मद हामिद मयंक अनिश अनारसू अच्छा अगर लोगों वाली मेंटी करानी है आपको चलो एक दो क्वेश्चन करके हम इसको खत्म कर लेंगे कोई नहीं मैम क्रिएट अ व्लॉग अबाउट मार्स कोई नहीं वो भी हो जाएगा मैं जल्दी लेके आऊंगी आपके लिए मार्स का व्लॉग ग्रीन स्क्रीन तो है ही मेरे पास मैग्नेट लूजेज इट्स मैग्नेटिक पावर ऑन वट हीटिंग हैमरिंग ड्रॉपिंग फ्रॉम अ हाइट या ऑल ऑफ दीज कब आपका मैग्नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है उसकी शक्तियां वो लूज कर देता है इट्स ओके क्रिएटिव वर्ल्ड यू नो तुम सब के साथ मैंने एक बार मेंटी खेला था इफ यू जब आई थिंक सक्षम एंड एवरी वन ने मेंटी बनाई थी एंड आई हैड टू प्ले इट सबके सामने एंड आई गॉट लाइक सिक्स पोजिशन क्योंकि उसके क्वेश्चन फ्रेंड्स uh, के बारे में थे तो मुझे नहीं पता था किसकी कौन सी बर्थ डेट है and I got sixth position उसके बाद भी you know I am so proud of myself okay all of these is the right answer yes अगर आप heat करते हो hammering करते हो थोड़ा ताड़ी करते हो dropping from a height it will break your magnet and of course its properties next year leaderboard ma'am Korean girls are cute it is true I remember हम सबने menti बनाई थी आपने खेला था सबके question थे हाँ वही I remember it too अभिनवत्ता विभुदत्ता रहा है टॉप थ्री में लॉजिक आफरीन मोहम्मद मयंक आरजू अथर एंड श्री हसीनी चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फटाफट इसको फिनिश करेंगे एंड फिर हम लोगो मेंटी की तरफ चलेंगे ठीक है मैम आज मैं आप आ, अपने मोबाइल के सब चीज डिलीट किया सिर्फ एक चीज रखा अन अकेडमी लेट्स क्रैक इट यस क्रैक करने के लिए लूज भी करना पड़ता है तो आपने ऐप आप लूज कर दिया बट अनडमी को रखा वेरी गुड आपको मेंटी बनाना आता? नहीं आता नहीं मेरे को मेंटी बनाना मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ दस महीने से मैम क्रिएट ट्वेंटी फोर आवर्स चैलेंज ऑन मार्स कृष्णा उसमें क्या करना पड़ेगा मुझे पहले से बता के रखो ना सेटअप करने में टाइम लगता है मार्स का पीछे से चलो का मुझे आफरीन नाम इतना पसंद है निकने में तो टाइम लगेगा ऑल ऑफ दीज बारेप आपको बार शेप में निकलेगा वो अर्थ से फिर देन यू हैव बिल्कुल नहीं जो चीज नेचुरली निकलती है ना कभी स्ट्रोंग नहीं होती लैब में स्ट्रोंग बना देते हैं उसको हम चलो एक्सेप्ट फ्रॉम दिन उसके अलावा कुछ स्ट्रोंग नहीं होता ऐसा ठीक है अगर आप फाइबर्स में भी देखोगे जब आप सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हो, तो वो ज्यादा स्ट्रांग होता है आपके नेचुरल फाइबर से राइट अभिनव विभुदत्त आर्य लॉजिक आफ्रिन अथर्व या मोहम्मद शेख हमें एंड वर्षा एंड मयंग फ्रॉम नेपाल आफ्रिन का निकनेम रखने में सब हेल्प कर दो प्लीज 13th क्वेश्चन अनअकैडमी तो मेरा लाइफ है चलो ये सब हम बोलते हैं दिल पे हाथ रख के मैग्नेटिक पोल्स क्या है आपके ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर एंड नहीं सेपरेटली like बताइए क्या होगा like, कभी -कभी रहते आला, कभी -कभी जुड़ जाते हैं या हमेशा ही पेयर में रहते हैं मैम यू नो हाउ टू कुर्सोर्स आई नो हाउ टू कुछ कोई मतलब वही नहीं है शक ही नहीं है क्यों मेरी मम्मी ने कुछ बोला है? बताओ किशोर मुझे जैसा अच्छा लगे वो बनाओ ओके ट्रिकी क्वेश्चन नहीं दिया मैंने चलो यस दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स हाई रोमेसा यस्टरडे वाज योर बर्थडे अच्छा बर्थडे आई होप आपने एंजॉय किया हो सो so, ठीक uh, है निक नेम आ गया आफरीन का निक नेम है आफू इसमें फू निकल रहा है बच्चा आफू वैसे इट इज क्यूट अभिनव आर्यादत्ता लॉजिक आफरीन अथा मिमनसा मोहम्मद मोहम्मद शेख हमें एंड बर्षा आई थिंक मैंने uh, इर्तजा को मैगी रखा था सो so, आप भी ऐसा कुछ निक नेम रख सकते हो इट इट कैन बी डिफरेंट मैम रॉनिक इज इन माई क्लास ही इज वेरी नॉटी रॉनिंग तो टेंथ क्लास में मैम क्या को गोल रोटी बनानी आती है कोई शक लाइक एग्जैक्टली गोल नहीं होती बट होती है लाइक ऑलमोस्ट वेन टू सेम पोल्स आर ब्रॉट टूगेदर मेरा फोन आज नहीं मानेगा नीचे गिर गया दोबारा से ओके दे अट्रैक्ट अदर दे रिपेल दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन उसके बाद हम लोगों को इस खेलेंगे हाय आयुष यस रेखा इसके बाद लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं ठीक है सो लॉजिक मेरे को आता है ओके है। okay, एक दिन जरूर बताऊंगी आपको ठीक है यस सेम पोल रिपेल करेंगे ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ओके गुड रिविजन एवरी वन लेट सी द लीडर बोर्ड बाकी क्वेश्चंस भी आपके इजी हैं एंड मैं आपको पैसे दे दूँगी लाइक अ वर्कशीट ओके सो जो हमारे फाइनल विनर्स हैं वी हैव अभिनव ऑन टॉप एंड देन वी हैव आर्या एंड बिभूदत्ता देन वी हैव लॉजिक एंड आफरीन एंड अथहर एंड मी मनसा एंड हमे एंड वर्षा एंड मयंक ओके जो कि तो मुझे टॉप टेन मिल चुके हैं आई थिंक मुझे टॉप टेन दे देना चाहिए आज के दिन तो दे दो ना टॉप टेन लाइक फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके बहुत सारे हो गए लेट्स स्टार्ट फर्स्ट है वी हैव अभिनव क्या बात है देन वी हैव आर्या वेरी गुड देन वी हैव विविधत्ता तुम्हारी मैम की हैंडराइटिंग बढ़ती जा रही है ओके देन वी हैव लॉजिक देन वी हैव आफरीन पॉटर हैड एंड आई थिंक मुझे निकनेम मिल चुका है आफरीन का नाम है हेरी पॉटर अथर्व सॉरी राइट या, ओके वेल डन देन वी हैव मीमसा मुझे याद है मीमंसा जब फर्स्ट आई थी कॉम्पैक्ट में देन वी हैव हमें क्या बात है देन वी हैव बर्षा एंड मयंक ओके वेल डन एवरी ओके नेक्स्ट है आपका ये क्वेस्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स कम फटाफट से आ जाओ मैम आप मुझे लॉनिक बुलाइए मैम आपके चाइल्डहुड में आप की कोई ऐसी टीचर थी जो आपको एग्जाम टेस्ट में हेल्प करती थी लाइक हिंट देती थी आई थिंक <laughs> कभी नहीं मिली मुझे बट हिंट इन देंस लाइक हेल्प आई थिंक हेल्प तो नहीं करी है तो बट हाँ जब भी मुझे डाउट होता था तो सारी टीचर्स हेल्प करती हैं एग्जाम के टाइम पे डाउट्स के बारे में बस ऐसे किसी ने हिंट नहीं दिया आंसर के बारे में हाय ओह यस लेट मी एक्टिवेट आज तो पार्टी बनती है वन हंड ट्वेल्व लाइक्स ये ओके चलो एक्टिवेट कर दिया मैंने रहा आपका कोड सिक्स थ्री एट फोर थ्री सिक्स फोर पट्टा पटसाओ मैम फेवरेट यूट्यूबर सिमी मैम ओके जोक्स अपार्ट इट्स सुपर वूमेन मैम इट कैन बी कुल्फी कौन सी कुल्फी हाय रोमाना ओके लेट्स स्टार्ट सब आ गए हैं लेट्स स्टार्ट अरे वाह मैम सिमी मैम तो मेरी फेवरेट है अरे सेम पेंच मेरी स्पेशल क्लास अंशिका कल तीन बजे तीन बजे मैंने लिंक दे दिया वैसे मैं आपको लिंक एक बार और दे देती हूँ नहीं ये तो थम्स अप दो मुझे सब अच्छा निकनेम कैन बी किसका निकनेम रखना है कुल्फी आफरीन का आफरीन का रसमलाई रख दू आफरीन इज लाइक like, क्यों नाम बिगाड़ पेप्सी इज द राइट आंसर लेस लीडर बोर्ड हाय प्रेक्षा अच्छा मोमो लैंड इज प्रेक्षा फाइनली मोमो का रिवील हो चुका है

ओहो oh, oh, इतना इजी क्वेश्चन लूना मैम दिस मस्ट बी स्पेशल विभुदत्ता दिव्यांश कैथी वर्षा अनुष्का वांचू अनुप्रिया प्रियांक प्या, सॉरी मयंक एंड आश्रय दिव्यांश लूना मैम मैं दिन के एक दिन के मैं एटलीस्ट सत्तर से अस्सी नाम पढ़ लेती हूँ बच्चों के मैं आपको पता है मेरे मेरे जो सर है उन्होंने मुझे साइंस का टेस्ट में मुझे सारे क्वेश्चन आंसर्स के दिए ओ लकी यू आंसर आई दिस वन बिकॉज़ मैथ्स दिमें भी पढ़ता वो ट्वेल्थ का एंड मैंने सुबह यही पी थी बिकॉज ऑफ द एनर्जी पार्टी कब दू मैं टू हंड्रेड लाइक्स में पक्का पार्टी मिलेगी हाय अनुप्रिया मैम कैथी इज मी जायना बच्चे नाम लिख लो अपना मॉन्स्टर एनर्जी इज राइट आंसर हाय अनुष्का यस इट इज मॉन्स्टर तीसरी बार फोन करने वाला था मैंने बचा लिया जायना एंड वर्षा विभुदत्ता वंशु दिव्यांश मयंग यस लूना मैम एंड अभिनव हाय अजय क्वेश्चन नंबर फोर नई लॉजिक इट इज एक्चुअली एन एनर्जी ड्रिंक ओनली मुझे याद है एक्चुअली मैं ट्वेल्थ के बोर्ड में आई हैड स्टमक इन्फेक्शन और मेरे ट्वेल्थ का बोर्ड था इसलिए कहते हैं कि बोर्ड्स या एग्ज़ाम के टाइम पे भी अपने खाने पीने का ध्यान रखा करो डाइट का ध्यान रखा करो कुछ भी हैवी मत खाया करो एग्ज़ाम से पहले इसलिए कहते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत असर अच्छा पड़ता है अगर आपके स्टमक ख़राब हो गया टाइम पर तो मुझे स्टमक इन्फेक्शन हो गया था मैथ्स के बोर्ड में ट्वेल्थ में एंड मैंने कुछ नहीं खाया था तब मैंने एक uh, यस yes, एनर्जी के लिए ड्रिंक ली थी आपकी मोस्ट एनर्जी मुझे इसलिए याद है सो सिलेक्ट आंसर इट माउंटेन ड्यू वेरी एग्जाम के बीच में कोई नहीं आ, कोई फैंटा कोका कोला नहीं पीता एग्जाम के बीच में से पहले ही होता है जो भी अब खाना होता है कुछ भी जायना वर्षा दिव्यांश मयंक वंशु विभुदत्ता आश्रय वैभव आर्य दिव्यांश ओके वन एंड ट्वेंटी थैंक यू सो मच क्वेश्चन नंबर फाइव लास्ट मंथ से लेकिन अरे रोनिक आई एम नॉट इग्नोरिंग रोनिक का है रामनिवास आर एस ए कभी निकले मत लेना ओके पेप्सी कोक या कोका कोला

वेल डन वर्षा वेरी वर्षा दिव्याश एंड जाएना वर्षा दिव्याश जाए वेरी गुड वी है यहाँ पर कोका कोला दिखावा ती बट थम्स अंड वी हैश वेरी गुड देन वी हैवना वेरी गुड ये जोक्स अ पार्ट कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नॉर्मली जो इसमें स्वीटनर डिलेवे होते हैं अवॉइड ही करने चाहिए यू नो डाइट हमेशा अपनी बैलेंस डाइट रखा करो एंड येस अगर स्टमक इन्फेक्शन ना हो या इन सब चीज़ों पर बचे रहो एग्जाम के टाइम पर ईट ओनली हेल्थी फूड जो तो आपके नॉर्मल रोटी है right? प्ले है, 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 okay. uh, so स्टोर कल मिलते हैं ग्यारह बजे ठीक है कल सेशन से ग्यारह बजे एंड तीन बजे है मेरी स्पेशल क्लास ठीक है सो लाइक द सेशन थैंक सो मच फॉर लाइक्स लाइक्स एंड शेयर द सेशन अपने फ्रेंड्स को subscribe to channel for all the updates and thank you so much and take care of yourself let's crack it with aneka